खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। बढ़ते कर्ज को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी विपक्षी दलों के अब निशाने पर आ गई है और आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य को वित्तीय संकट में धकेल रहे हैं। बढ़ते कर्ज के मुद्दे को पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने भी राज्य सरकार को लिखे एक पत्र में उठाया है, जिसमें दावा किया गया है कि आप सरकार के तहत कर्ज 50,000 करोड़ रुपए बढ़ गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्यपाल द्वारा उठाए गए मुद्दे को बहुत गंभीर बताया और सही ठहराया है और 1 साल 6 महीने में 2 सालों में लगभग 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ने का मतलब है कि आर्थिक संकट हमारे सामने है। सिद्धू ने दावा किया कि पंजाब में तेजी से बढ़ता कर्ज आम आदमी पार्टी के लगातार भ्रष्टाचार और वोट बैंक की राजनीति का नतीजा है। मुफ्त की राजनीति पंजाब को अपूर्णीय तरीके से प्रभावित कर रही है। बैंकों से PSPCL का उधार 18,000 करोड़ रुपए से अधिक है और डिजिटल मीटर स्थापना के लिए 9,641 करोड़ रुपए का ऋण है और उसके अलावा पंजाब सरकार पर सब्सिडी और बकाया बिल का बकाया क्रमशः 9,020 करोड़ रुपए और 2,548 करोड़ रुपए है। PSPCL आज गिरवी और बिक चुकी है और इसी तरह की भावना व्यक्त करते हुए पंजाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा है कि आप सरकार के बदलाव ने राज्य को वित्तीय संकट में धकेल दिया है और इस साल अप्रैल से जुलाई तक आप पार्टी पहले ही 11,718 करोड़ रुपए का ऋण ले चुकी है। जाखड़ ने कहा कि एक FB पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा कि 11,718 करोड़ रुपए में से केवल 900 करोड़ रुपए रचनात्मक रूप से खर्च किए गए थे और बाकी सभी मौजूदा सरकार की सनक और इच्छा के कारण धुएं में उड़ गए। जाखड़ ने सभी पंजाबियों से इस शासन से सवाल पूछने का भी आग्रह किया जो फर्जी प्रचार, विज्ञापनों और व्यक्तिगत प्रचार पर पनपता है। जाखड़ ने कहा कि मैं राज्यपाल को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मान से लगभग 50,000 करोड़ रुपए के उपयोग के विवरण के बारे में पूछा, जिसका बोझ इस सरकार ने पंजाबियों पर डाला है। जाखड़ ने कहा कि ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मुझे राज्यपाल द्वारा उठाए गए सवालों पर आप नेतृत्व द्वारा वास्तविक प्रतिक्रिया की बहुत उम्मीद नहीं है। राज्यपाल के संदेश के लिए धन्यवाद। पंजाबियों ने पूछना शुरू कर दिया है, पैसा कहाँ है मान साहब। जाखड़ ने यह भी कहा कि दिल्ली और पंजाब दोनों मुख्यमंत्रियों ने लोगों को बेवकूफ बनाया है। रेत के गड्ढों की पारदर्शी नीलामी और शराब की बिक्री से उत्पन्न होने वाला 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व कहाँ है और जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनावों के दौरान चिल्लाते थे। इधर करीब 2 हफ्ते पहले दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने CM भगवंत मान के साथ मिलकर अमृतसर में स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया था। एमिनेंस स्कूल का दौरा करने के बाद वो रणजीत एवेन्यू रैली स्थल पर पहुंचे, जहां पंजाब में शिक्षा की क्रांति की घोषणा की गई। अरविंद केजरीवाल ने स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत करने पर CM भगवंत मान को बधाई दी और इस दौरान उन्होंने लोगों से वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन न करने की अपील भी की। केजरीवाल ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन कभी मत होने देना, ये देश को बर्बाद कर देगा। नेता चुनाव से डरते हैं, ये चुनाव खत्म करना चाहते हैं। नेता वोट मांगने आता तो 4 काम करके जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन 4.5 साल दुनिया घूमेंगे और 6 महीने शक्ल दिखाने आएंगे। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान चल रहा है, जिसके लिए पंजाब पुलिस बधाई की पात्र है। पहले नेताओं के रिश्तेदार नशा करवाते थे, लेकिन अब वो नाम नहीं लेंगे। केजरीवाल ने इस दौरान यह भी कहा कि दूसरा वादा करके जा रहा हूं, आपके 20,000 स्कूल ठीक करेंगे, 1,500 करोड़ रुपए पंजाब के सभी स्कूलों के डेस्क आ जाएंगे, सफाई हो जाएगी, टॉयलेट साफ हो जाएंगे, चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड, इंटरनेट, बसें लग जाएंगी। आज से पूरे पंजाब के हर स्कूल में कुछ ना कुछ शुरू हो जाएगा। 4-5 साल लगेंगे, लेकिन काम शुरू हो जाएगा। तो खजाना खाली हो गया है और इसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है पंजाब में। तेजी से इसको लेकर लगातार कांग्रेस सरकार और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को घेर रही है और सवाल कर रही है कि आखिर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने चुनाव प्रचार को पूरा करने के लिए, सत्ता पर बने रहने के लिए जिस तरह से जनता को लूटा जा रहा है, उसका हिसाब जनता मांग रही है। खाली खजाना खाली हो रहा है और इसको लेकर लगातार अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सवाल कर रही है।
जी बिल्कुल। तो इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। विजय खेरा प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर कुलदीप मलिक नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, और संजीव निगम प्रवक्ता आपसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में। शुरुआत संजीव जी आपसे करेंगे, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आप पर बढ़ते कर्ज को लेकर जिस तरह से विपक्षी दल निशाना साध रहे हैं, इसका जवाब आप क्या देंगे? कैसे पंजाब का खजाना खाली होता जा रहा है, कर्ज में डूबता जा रहा है पंजाब, जबकि आपकी सरकार ने तो ये वादा किया था कि जो जनता है उसको हर चीज मुहैया कराई जाएगी, लेकिन आज तो अब जब कर्ज में डूबे हैं तो आप जनता को क्या देंगे? घाटे का बजट तो नहीं है ना, मुनाफे का बजट है दिल्ली में। ठीक है, समय लगेगा, ये वो एक उतार चढ़ाव है, पूरे 5 ईयर का जो टेन्योर हमें मिला है। आप उस टेन्योर की अगर बात करें तो जो पहले की स्थितियां थी तो क्या थी, उन परिस्थितियों में हमने सरकार को संभाला और हम सरकार चला रहे हैं। पूरे 5 साल बाद हम इस पे बात करेंगे तब आप देखिएगा, क्योंकि हमने तमाम सारी ऐसे स्कीम चलाई हैं जो इधर उधर पैसा जा रहा था उसको हमने बंद करवाया है, और तमाम ऐसे स्कीम्स हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि वहाँ की व्यवस्था बेहतर होगी। तो ये इतनी जल्दी आप इसका आकलन करें, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। सर देखिए, रिपोर्ट से हमारे सामने तो तमाम बातें हैं, रिपोर्ट को हमने बताया था ना, दिल्ली में जो है जो तमाम सारी रिपोर्टें आई हैं। बात दिल्ली की नहीं, पंजाब की हो रही है, निगम साहब। हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं आपको रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, जी, कि इस तरीके की रिपोर्ट आई है तमाम। अभी बहुत सारी जो है कैग की रिपोर्ट आई है दिल्ली में। हाँ। आप देखिए, जो द्वारिका एक्सप्रेस वे बन रहा था दिल्ली में, अभी भी वो काम जारी हुई है। क्या बोलते हैं, किस तरीके की बात करते हैं? तो रिपोर्ट ठीक है, उनका अपना काम है, वो रिपोर्ट मान रहे हैं। नितिन गडकरी जी ने उस रिपोर्ट को माना है क्या? आप बताइए, दिल्ली में जो रिपोर्ट आई है, क्या क्या रिपोर्ट दी गई, इतना भ्रष्टाचार दिल्ली एक्सप्रेस वे में बनाने में हुआ है? मान रहे हैं, वो मानने को तैयार है। नहीं, सर, 2 साल में आपने 50,000 करोड़ का कर्जा लिया है, अब कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये 70,000 करोड़ बढ़ेगा। आप हमारी बात सुने ना जी, जानी मानी हिंदुस्तान की संस्थाएं कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हाँ। उसने रिपोर्ट दी है कि आप दिल्ली में जो है जो एक्सप्रेस वे बन रहा है द्वारिका, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसे पूछो मानने को तैयार है क्या? मान लेंगे, कोई नहीं मान रहा है, आप भी नहीं मानेंगे, मतलब ये टिकफोटेक का मामला है क्या? आप देखिए ना, कैग जैसी संस्था ने जो रिपोर्ट दी है ये उसमें दलील है, नितिन गडकरी साहब बोले नहीं वो इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, नीचे सुरंग है, ऊपर तो दुनिया भर की। अरे आप कैग की रिपोर्ट को नहीं, आप जो बता रहे हैं राज्यपाल जो मुद्दा उठा रहे हैं गलत है क्या? नहीं नहीं, ठीक है, वो कह रहे हैं, उनका उनको कह दीजिए, जब बातें हमारी आएंगी, हम जब वहां पर बैठेंगे तो हम तर्कपूर्वक अपनी बात रखेंगे। सर ये जवाब नहीं होता ना कि वो कह रहे हैं तो कहने दीजिए, राज्यपाल कुछ देख रहे होंगे तभी तो रिपोर्ट भेजी। भाई राज्यपाल तो आपने देखा नहीं, राज्यपाल ने क्या कहा था कि हम आपकी सरकार को जो है यहाँ पर हम रिपोर्ट पेश करेंगे, हम सरकार भी खत्म कर देंगे, ऐसी भी धमकी दे चुके राज्यपाल महोदय पंजाब के बनवारी लाल जी, तो उन्होंने खुले शब्दों में बोला है। तो ठीक है, वो जो वो अगर है इस उसमें जो करना चाहे वो करे, वो स्वतंत्र है, उसमें थोड़ी किसी ने कोई उनका हाथ पकड़ लिया है। ठीक है कुलदीप जी, फिर जिस तरह की बातें अभी आप सुन रहे हैं निगम साहब की तरफ से लगातार, तो इस पर आप लगातार इस बात को क्यों उठा रहे हैं कि जो प्रदेश नंबर 1 था आज वो आखिरी हो गया है, और आने वाले वक्त में पंजाब और ज्यादा कर्ज में डूब जाएगा, आप राज्यपाल की दी हुई रिपोर्ट को, उठाए गए मुद्दे को भी सही ठहरा रहे हैं? देखिए मैडम, जहाँ तक कर्जे की बात है, कर्जा भले ही किसी राज्य सरकार पर हो या केंद्र सरकार पर हो, भाई कर्जा तो कर्जा ही है। मैं तो ऐसे परिवार से आता हूँ और शायद सभी इस बात से सहमत हो कि अगर परिवार में भी कर्जा लिया तो उसे भी कहीं ना कहीं एक गलत दृष्टि से देखा जा रहा। जिस तरीके से पंजाब की सरकार कर्जे में डूबती जा रही है, ये भी अपने आप में बहुत ही चिंतनीय विषय है। लेकिन यहाँ पे मैं साथ ही साथ एक क्वेश्चन और कर रहा, हो सके आम आदमी पार्टी के जो मेरे सहयोगी है उनको ये अच्छा लगे, भाई आप जो पंजाब में आम आदमी की सरकार है इसके कर्जे की तो बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में जो केंद्र की सरकार चल रही उसमें अब तक कितना कर्जा ले लिया? अभी देखो सोशल मीडिया के ऊपर 2-3 महीने पहले आम आदमी के जो राज्यसभा सदस्य है आदरणीय संजय जी, उन्होंने भी इस बात को बहुत
मुखरता के साथ उछाला और कांग्रेस पार्टी ने भी इस बात को मुखरता के साथ उछाला कि आज हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर 1,20,000 का कर्जा है। मैडम आप भी अपने स्टूडियो पे बैठे, आपके ऊपर भी वो कर्जा है, मेरे भाजपा के प्रवक्ता इनके ऊपर भी कर्जा है, आम आदमी के प्रवक्ता इनके ऊपर भी कर्जा है। क्या हम केंद्र सरकार के कर्जे की भी बात करेंगे? कर्जा कोई भी सरकार लो, बिल्कुल वो बहुत ही अपने आप में एक चिंतनीय विषय है, इस पे आम सहमति बनानी पड़ेगी और हमें कहीं ना कहीं अपने खर्चे पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी वालों को मैं कह रहा, बिल्कुल इस तरीके से ये अपने प्रचार में प्रसार में जो है लग रहे और पैसा पानी के तरीके से बहा जा रहा, इस पे भी सभी पार्टियों को चिंतन और नमन करना पड़ेगा और देश की जनता को भी इसके ऊपर जागना पड़ेगा। जी मैम, विजय केरा साहब आपकी तरफ से भी बयान दिया जा रहा है कि आप सरकार ने बदलाव के चक्कर में राज्य को वित्तीय संकट पर धकेल दिया है, कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, 11,718 करोड़ रुपए का फिलहाल अब तक ऋण लिया जा चुका है। खेरा साहब जी, देखिए ये तो पहले ये बता दें, ये जिस तरह दिल्ली को बर्बाद किया है इन्होंने, बिल्कुल चौपट कर दिया है, उससे बदतर हालात पंजाब के होने वाले हैं। होई गए होने वाले क्या है, 3,00,000 करोड़ का कर्जा छोटे से स्टेट का हो गया, 50,000 करोड़ रुपया से ज्यादा इनके शासन आने के बाद एक ही साल में ज्यादा बढ़ गया था। अब सवाल ये है, कारण ये है कि अगर आप बिजली में सब्सिडी में 16,000 करोड़ रुपया बांट देंगे और उसके बाद वोटों के लेने के लिए आप 18 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपया बांट देंगे प्रति वर्ष, तो क्या होगा? आपको तो वोट चाहिए, आप बांटते जा रहे हैं पैसा वोट के लिए, लेकिन होगा क्या? पंजाब बर्बाद होगा, विकास नहीं होगा। 900 करोड़ रुपया आप कुल खर्च कर पाए, 11,000 करोड़ में से कुल 900 रुपया कंस्ट्रक्शन में, बाकी विकास में खर्च नहीं हुआ। तो एक तो चोरी और फिर सीना चोरी। अरे यहाँ तो दब के बात करो कि तुम कर क्या रहे हो, और गवर्नर पर लांछन लगा रहे, गवर्नर ने कुछ नहीं मांगा, वो कह रहे हैं आपकी तरफ से भी तो ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। मुझे पहले पंजाब पे बोलने दीजिए, फिर एक एक का जवाब दे दूंगा मैं। जिनने गवर्नर पर प्रश्न उठाया है, गवर्नर ने कुछ नहीं मांगा है जी। तुमने गवर्नर से कहा कि केंद्र सरकार से पैसा दिलवा दो हमें, आप हाथ जोड़ने गवर्नर के पास गए, आपने चिट्ठी भेजी कि केंद्र सरकार से पैसा भिजवा दीजिए, तो बर्बाद करने के लिए आप पैसा आपको दिलवा दें। अरे इसकी तो अगर सरकार हिंदुस्तान में आ जाएगी, ये बांट घूस के और तो कश्मीर बेच दें, अरुणाचल बेच दें चाइना को, क्योंकि इन्हें तो बेचने से मतलब है वोट मिलना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए दुनिया में, पूरा देश बर्बाद कर दिया। और यही एक और इन्होंने अनाउंसमेंट किया था जो हिमाचल के चुनाव में, इनने बोला था पूरा ओल्ड पेंशन स्कीम हम चालू कर देंगे, वो चालू हो गई तो कल सवेरे कलेक्टर की टेबल भी नीलाम होगी, समझे? अपनी तो मन को लेकर सियासत तेज है। आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को नकार रही है कि जिस तरह से वो कर्ज में डूबी हुई है, कहीं ना कहीं उसे ये सारी चीजें ठीक लग रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस पर सवाल उठा रही है कि आखिर पंजाब की जनता को धोखा देकर, उसे झूठ बोलकर जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपनी सियासत चला रही है, उसका जवाब कौन देगा? पंजाबियों को यह सवाल करना चाहिए कि पैसा कहाँ गया मान साहब। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं, बीजेपी से विजय खेरा साहब, कांग्रेस से कुलदीप जी और प्रवक्ता आप पार्टी से संजीव जी निगम जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी देखिए, पी जो कहा जा रहा है कि पीएसपीसीएल को ही आपने फ्री बिजली के लिए गिरवी रख दिया, सही है? पहले आप चुनावी वादे करते हैं जनता से कि हम ऐसा कर देंगे, ये फ्री देंगे, ये मुफ्त देंगे, रेबड़ियां बांट देते हैं, और उसके बाद जब वो पूरा नहीं होता है तो चीजों को आप गिरवी रखने के लिए उन्हें पूरा करने लगते हैं, बाकी की जनता को आप दबाने लगते हैं। आपकी बात का मैं जवाब दूंगा। और खेरा साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो भाषा शैली है, इस तरीके से इतनी निम्न हो गई, इतनी गिर गई, मैं खेरा साहब को भी सुन रहा था, बोल रहा था दिल्ली को बर्बाद कर दिया, शर्म नहीं आ रही खेरा साहब? आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा हूँ, आप ये बर्बाद कर दिया, कमाल है, बर्बाद कर दिया। आकाश से लेकर के पाताल तक सारी चीजें बेचने में माहिर आप हो, मोदी साहब एक एक करके सारी चीजें अडानी को बेचते जा रहे हैं और लांछन हमारे ऊपर लगा रहे हो कि आम आदमी पार्टी ने ये कर दिया, अरुणाचल बेच देंगे वो बेच दे, आप बेवकूफ आप बना रहे हो महिला को, महिलाओं को हमारे देश की महिला बेवकूफ बनाओ बिल आपने पास करवाया है, क्या मतलब है ढोंग तमाशा? 10 वर्षों में सारे के सारे 18,000 करोड़ के बैंक की देनदारी नहीं है, लांछन आप हमारे ऊपर लगा रहे हो,
दिल्ली में हमारे बहुत प्रॉफिट। खेरा साहब एक मिनट, खेरा साहब एक मिनट, खेरा साहब थोड़ा धैर्य भी रखे। खेरा साहब संसद के अंदर, संसद के अंदर आपका चुना हुआ एक सांसद दूसरे सांसद के लिए निगम जी, निगम जी आप मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं। संसद पर चर्चा हम बाद में करेंगे। मैं वही इनकी नेताओं की तरफ बदसलामी सुनिए। संसद के अंदर प्रधानमंत्री महोदय खुद कहते हैं और सांसद जो है महोदय खुद कह रहे हैं। ठीक है निगम जी, ये मुद्दा नहीं है मेरा, मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ उसका जवाब दीजिए, मुद्दे से मत भटक। दिल्ली में आप देख लीजिए, दिल्ली में आप देख लीजिए हमारे पास पंजाब की कीजिए ना सर, दिल्ली की नहीं हो रही है निगम साहब। हम कोई बात नहीं है, ये अप्स एंड डाउन चलते हैं। हमको पूरे 5 साल के लिए बिठाया गया है, हमको पूरे 6 महीने आप हमारे वो नहीं करोगे समरी। खेरा साहब एक मिनट, खेरा साहब, खेरा साहब पूरे 5 साल में रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे। हम रिपोर्ट कार्ड खुद प्रस्तुत करते हैं और रिपोर्ट कार्ड तो खुद ही प्रस्तुत हो रहा है सर। निगम साहब अगर आपने हमने काम निगम साहब किया है तो हमें दोबारा वोट मत दीजिएगा। निगम साहब दोबारा वोट मत दीजिएगा। आप 6 महीने में आपसे एग्जाम देंगे क्या? आप हमारे एग्जाम हर 6 महीने में देंगे, साल भर में देंगे? हम पूरा फाइनल जो एग्जाम होगा आप 5 साल में रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे। कोई बात नहीं, अभी कहीं अगर डाउन किया है हम अपने आएंगे। ठीक है ठीक है, मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ, कांग्रेस की तरफ से भी तो आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो PSPCL आपने गिरवी रखा है फ्री बिजली देने के लिए, बात सही है नहीं है? देनदारी है बैंक की कि नहीं है? अरे भाई कर्जा देना है बैंक को कि नहीं? इन्होंने पूछो बैंक की, जिनके पास देनदारी थी उनको हवाई जहाज में बैठलवा के बाहर भेज दिया। अरे सर आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं? आप आपकी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है ना? हम लोग ऐसा आम आदमी के लिए काम करेंगे ना, वो तो कहते ही नहीं है कि हम आम आदमी के लिए काम करेंगे। पूरा हिसाब किताब करके जाएंगे, कहीं नहीं जाने वाले, किसी को भगाने वाले नहीं है। पैसा मांग रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, वक्त की कमी है मेरे पास कुलदीप जी। ठीक है वक्त की कमी है कुलदीप जी। देखिए जी सर, माननीय चाहिए अगर हम एक दूसरे के ऊपर इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और मैं तो कह रहा कि आप भी चोर है, आप भी चोर है, और यहाँ पे इस तरीके की बहस कर रहेगी भाई, हमारे में से सबसे बड़ा चोर है क्यों है? मैडम मैं आपको ये बताऊं, और देश की जनता इस बात को सुने कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं भाई किसानों की जो है बिजली के बिल माफ कर दिए, इतने करोड़ वहां चला गया। भाई एक बात बताओ, ये तो किसानों की बिजली का बिल माफ कर रहे हैं आप। देखो आप तो अभी एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिएगा मैडम। सुभाष चंद्र जी पे 6,900 करोड़ रुपए का कर्जा था, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी वालों ने 5,400 करोड़ का कर्जा माफ करा, अब मात्र उन पे 1,500 करोड़ का कर्जा बचा, और वो कर्जा भी उनको बोल दिया कि भाई आप किस्तों में दे दो, एक मुश्त ना दे दो। अब देश की जनता ये भी बात देख रही, और आप तो जो है उद्योगपतियों का कर्जा माफ करो, उन्हें विदेश में भेज दो, फिर उनके यहाँ शादी हो, शादी में आप सलीक हो। अरे सर नहीं आती आप इस तरह की बात करते हैं, आप किसान और मजदूर के विरोध में है। तो आप जो पंजाब में हो रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं या क्या विरोध जता रहे हैं? डॉक्टर कुलदीप मलिक उस बात का भी समर्थन नहीं करता, लेकिन ये भारतीय आप एक तरफ कह रहे हैं कि PSPCL को गिरवी रख दिया, एक तरफ आप केंद्र सरकार के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, किस तरफ आप विरोध और किस तरफ समर्थन कर रहे हैं? क्यों मैडम, अगर केंद्र सरकार कोई गलत काम कर दी तो हम उनका विरोध नहीं करेंगे? अगर बिल्कुल करेंगे सर, मैं कह ही नहीं रही कि आप विरोध नहीं करेंगे, लेकिन इस वक्त जब आपने जो आरोप लगाया क्या वो सही है? पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो सही है? बिल्कुल, मेरा पंजाब में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और जो मैं जो सुभाष चंद्र जी का कर्जा माफ किया गया भारतीय जनता पार्टी वाले, मेरे प्रवक्ता है, आपके बाल सफेद हो रहे राजनीति करते करते, आप इसका जवाब दे दो अगर आपके अंदर हिम्मत है। उनका कर्जा क्यों माफ किया आपने? विजय खेरा जी देखिए आरोप आप भी लगा रहे हैं, लेकिन आरोप आपके ऊपर भी है कि कर्जा आप भी तो माफ कर रहे हैं, किस तरह से आप उद्योगपतियों के साथ खड़े होकर उनका कर्जा माफ कर रहे हैं, इसका भी तो जवाब आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल देंगे जी, क्यों नहीं देंगे, दीजिए। मैंने कर्जा जहाँ आवश्यक है वहाँ चौधरी देवीलाल ने भी किया था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, कर्जा जब था जब मोदी जी ने भी किया है। वो किसानों का कर्जा, गरीबों का कर्जा अलग बात है, और पैसे को लूटना, उसमें से 11,000 करोड़ में से कुल 900 का काम कराना, उस पैसे को इस्तेमाल करना वोटों के खातिर अलग बात है, दोनों में फर्क है। अगर ये कहते हैं कि नहीं था वो तो हमने इसलिए दिया था उनकी जरूरत है, हम मना कर रहे हैं लेडीज को मत दो, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है अगर आप दे रहे हैं तो आप बीजे कमा के दीजिएगा, लेकिन आप अगर ये चाहें पूरा पैसा लुटा के और उसके बाद आप गवर्नर के हाथ जोड़े कि हमको केंद्र सरकार से पैसा दिला दो, मेरा पैसा और दिला दो, और पुराने का हिसाब नहीं दें और उसको बेच डालें,
और जितनी आपने ड्रग पेडलिंग वहाँ पर करी, आप पार्टी ने पंजाब में, और जितना पैसा आपने एल्कोहल में कमाया है उस पैसे का हिसाब देंगे नहीं हम, और हम तो कर्जा देते जाओ। यही काम इनने दिल्ली में किया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर चार्ज लगाए थे। तुम तो रुको यार, अभी आप होने दो, तुम्हारी भी पोल खुलेगी, अभी कांग्रेस की भी खुलेगी साहब। ऐसे नहीं नहीं है, तुम्हारी छत्तीसगढ़ राजस्थान की पूरी पोल खोल दूंगा, अभी तो आपकी खुली है ना, दो दो एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने से आप जनता के जवाब देने से नहीं बचेंगे। खेरा साहब, कुलदीप साहब या फिर संजीव निगम साहब, वादे तो आप बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जब वादे पूरे करने के लिए कर्ज में डूब जाता है प्रदेश, तब कहते हैं कि आने वाले 5 साल में रिपोर्ट देंगे। खैर, जनता तय करेगी कि 5 साल में आप जो रिपोर्ट देंगे उसे जनता स्वीकार करती है या आपको सत्ता से बाहर खड़ा कर देती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।